YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर बीजेपी और मोदी कैबिनेट के मंत्री सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के कटक में रैली को संबोधित करते हुए नजर आए और अपने सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने जनता को बताई। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मोदी ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार किसी जनपद से नहीं बल्कि जनमत से चल रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों की हितैषी सरकार बताया और अपनी सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एकजुट हो रहे विपक्ष पर करप्शन के लिए एकजुट होने का आरोप भी लगाया। यहां लिया हुआ संकल्प, शुरू किया हुआ अभियान कभी भी विफल नहीं जाता है। भाइयों और बहनों, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद, आपकी आशाएं, आपकी आकांक्षाएं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मुझे दौड़ने की ताकत देती है। ऐसी भयंकर गर्मी के बीच जब आपकी आंखों में मैं ये चमक देखता हूं, ये भरोसा देखता हूं, ये आत्मविश्वास देखता हूं, तो मेरा विश्वास भी और मजबूत हो जाता है। आज देश निराशा से आशा की ओर, ठहराव से निरंतरता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, कुशासन से सुशासन की ओर, काले धन से जनधन की ओर हमारा देश तेज गति से बढ़ रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा ये परिवर्तन ही न्यू इंडिया का आधार है।